हेलो दोस्तों, आज हम आपके सामने एक नए वीडियो के साथ आए हैं। हमने पहले भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आपको दिए हैं एग्ज़ाम टाइम में, जिससे आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प हो पाई है कि आपने अच्छे से ऑनलाइन एग्ज़ाम दे दिए। आज भी हम आपको बता देंगे कि आपको लास्ट ईयर एग्ज़ाम कहाँ से डाउनलोड करने हैं और आपका एग्ज़ाम कौन सा है। यहाँ पर बहुत सारे एग्ज़ाम अपलोड किए हुए हैं, लेकिन आपको कन्फ्यूज़न होगा अपना सर्च करने में, तो हम आपको एक एक बता देंगे और आप उसके हिसाब से ही अपना पेपर डाउनलोड करना जो आपके काम के है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, और हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे देंगे जिससे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे सभी एग्ज़ाम है, जहाँ पे सभी एग्ज़ाम अपलोड किए हुए हैं। तो ये FGM कॉलेज नाम से एक चैनल है, ये एक फ्रेंड का है, तो इसको आपको ज्वाइन करना है सबसे पहले। तो ये देखो, सबसे पहले हमने निकाल लिया है पहला एग्ज़ाम। तो आपको यहाँ से हम आपको सभी एग्ज़ाम ओपन करके दिखा देंगे, सभी पेपर्स आपको ओपन करके दिखा देंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा एग्ज़ाम ही डाउनलोड करना है। आप अपने वाले का नंबर नोट कर लेना अपनी नोटबुक में, और जिससे आप उसी को ही डाउनलोड करना, किसी और BA का है तो BA का डाउनलोड करना, BSc का है तो BSc का, जिस भी आप कोर्स में है उसी का डाउनलोड करना, किसी और का मत करना। तो ये एग्ज़ाम है BA का, जियोग्राफी का, सेकंड सेम का। इससे नेक्स्ट एग्ज़ाम पे चलते हैं। तो ये पेपर है हमारा BSc का है, कंप्यूटर साइंस का, फोर्थ सेम का। ये देखो, ये एग्ज़ाम है हमारा फोर्थ सेम का, कंप्यूटर साइंस BSc का, सेकंड पार्ट है। तो ये एग्ज़ाम है हमारा केमिस्ट्री BSc फोर्थ सेम का। बिना टाइम वेस्ट किए हम जल्दी जल्दी से एनालिसिस कर लेते हैं। ये है BSc का फोर्थ सेम का, फिजिक्स का। ये भी फिजिक्स का है, फोर्थ सेम BSc का, दो पार्ट होते हैं फिजिक्स के। तो आपके दोनों एग्ज़ाम यहाँ पे आ गए हैं। ये आपका है मैथ BSc का, वो भी फर्स्ट एग्ज़ाम, जो कि डिफरेंशियल पार्शियल इक्वेशन वाला है फोर्थ सेम के लिए। यह आपका मैकेनिक्स का, मैथ का, फोर्थ सेम का BSc के लिए। यह है आपका सिक्स सेम का संस्कृत का एग्ज़ाम BA के लिए। यह है आपका BA का सिक्स सेम का हिंदी कंपलसरी का एग्ज़ाम 752। यह है आपका BA का सिक्स सेम का इंग्लिश कंपलसरी के लिए। यह है आपका BA का सिक्स सेम का हिंदी इलेक्टिव का एग्ज़ाम 075। ये है आपका BA का इन्वायरमेंटल स्टडी का, BA LLB और BA ऑनर्स का, इन्वायरमेंट का, सेकंड सेमेस्टर के लिए। यह है आपका BSc ऑनर्स का, थर्ड सेम के लिए मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम। तो ओड सेम वाले तो आपको अभी डाउनलोड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वैसे आप सेफ रखना चाहें तो कर सकते हैं। यह है आपका BA का सिक्स सेम का मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम 839 है आपका BA का सेकंड मैथ के लिए, मैथ के जो दो पार्ट होते हैं, तो इसका BA का सिक्स सेम के लिए मैथ का एग्ज़ाम है। तो ये है आपका पब्लिक फाइनेंस का सिक्स सेम के लिए BA के लिए। तो ये एग्ज़ाम है आपका LLB का फिफ्थ सेम के लिए। ये आपके LLB के एग्ज़ाम यहाँ से शुरू हो गई है। तो ये है BCA का एग्ज़ाम आपका फिफ्थ सेम का, कंप्यूटर ग्राफिक्स का। यह आपका BA का फिफ्थ सेम का मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम। ये तो सेम वही ओपन हो गया। यह आपका BA LLB का लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ का फिफ्थ सेम का। यह एग्ज़ाम है आपका BA का फिफ्थ सेम का हिंदी कंपलसरी के लिए। ये एग्ज़ाम है आपका इंग्लिश कंपलसरी का BA के लिए फर्स्ट सेम का। ये ओल्ड सेम की तो अभी ज़रूरत ही नहीं है, वैसे ही शेयर किए हुए। BA एग्जामिनेशन है ये मैथमेटिक्स का फिफ्थ सेम का। ये है MCOM का थर्ड सेम का। MCOM जो कि PG के सब्जेक्ट है, उनके बहुत कम एग्जामिनेशन हमें देखने को मिले हैं। तो ये है आपका BA का फर्स्ट सेम का एग्ज़ाम मैथ्स का 552। ये है आपका फिजिक्स का एग्ज़ाम BSc के लिए, हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स, थर्ड सेम का।
ये यहाँ से आ गई। ये है आपका बीटेक का एग्ज़ाम थर्ड सेम के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। यह आपका बीटेक का थर्ड सेम का मैथमेटिक्स के लिए। ये एग्ज़ाम है आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए थर्ड सेम का। ये एग्ज़ाम है आपका बीटेक का थर्ड सेम का मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स का। यह आपका बीटेक का एग्ज़ाम सेकंड सेम के लिए। यह आपका बीटेक का एग्ज़ाम सेकंड सेम के लिए ईवीएस का। यह आपका बीटेक का एग्ज़ाम सेकंड सेम के लिए इंग्लिश का। यह आपका बीटेक का एग्ज़ाम फर्स्ट सेम के लिए मैथमेटिक्स का। यह एग्ज़ाम है आपका बीटेक्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम के लिए। यह आपका बीटेक का एग्ज़ाम वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग का फर्स्ट सेम के लिए। अगर आपको जैसे यहाँ पे बीटेक के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो आपको अगर बीए बीएससी के देखने हैं तो आगे पीछे स्किप कर लेना, थोड़ा बहुत वीडियो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा आपके लिए। यह आपका बीएससी का सिक्स सेम का मैथमेटिक्स के लिए सॉलिड ज्योमेट्री का एग्ज़ाम। यह एग्ज़ाम है आपका फिजिक्स का मेन बैच सिक्स सेम के लिए फिजिक्स का बीएससी के लिए। यह आपका मैथ के लिए, ये तो सेम एग्ज़ाम ओपन हो गया। यह आपका बीएससी का सिक्स सेम का केमिस्ट्री के लिए, तो आप यहाँ से केमिस्ट्री का एग्ज़ाम देख सकते हैं बीएससी वाले। यह एग्ज़ाम है आपका बीएससी मैथमेटिक्स सिक्स सेम के लिए, जो कि मैकेनिक्स की बुक है वो अलग है। यह आपका बीएससी का एग्ज़ाम सिक्स सेम के लिए मैथमेटिक्स लीनियर अलजेब्रा वाला। यह आपका मैथमेटिक्स का सिक्स सेम के लिए रियल एंड कॉम्प्लेक्स मैथ बीएससी का। यह एग्ज़ाम है आपका बीए एग्जामिनेशन इंग्लिश के लिए सिक्स सेम के लिए। यह एग्ज़ाम आपका सोशोलॉजी का फोर्थ सेम के लिए बीए के लिए। यह एग्ज़ाम आपका बीकॉम के स्टार्ट हो गए फोर्थ सेम के लिए कंपनी एंड लॉ के लिए। यह एग्ज़ाम है आपका बीकॉम का फोर्थ सेम के लिए बिजनेस लॉ के लिए। यह एग्ज़ाम आपका बीकॉम का ऑनर्स के लिए भी फोर्थ सेम के लिए अकाउंटिंग सिस्टम वाला। यह एग्ज़ाम आपका बीए हिंदी कंपलसरी के लिए सिक्स सेम के लिए। यह एग्ज़ाम आपका बीए इंग्लिश कंपलसरी के लिए और सिक्स सेम के लिए। तो आप यहाँ से अपना पीडीएफ नंबर नोट कर लेना, लगभग आप यहाँ से थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा लेना कि उसके आसपास था, तो आपको जल्दी मिल जाएंगे आपके एग्ज़ाम। यह है आपका एग्ज़ाम, यह है बीएससी का एग्ज़ाम फोर्थ सेम के लिए बोटनी के लिए। बोटनी के भी दो सब्जेक्ट होते हैं। तो यह हमारा हिंदी कंपलसरी के लिए फोर्थ सेम, जिसके पास हिंदी और संस्कृत में से एक है, हिंदी वालों के लिए ये है फोर्थ सेम ने। यह है आपका बीएससी का बोटनी के लिए सेकंड एग्ज़ाम फोर्थ सेम के लिए। यह है आपका एग्ज़ाम केमिस्ट्री का फोर्थ सेम के लिए बीएससी के लिए। अब यहाँ पे बीएससी के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं लगभग, जो कि मेडिकल वालों के हैं, मैथ्स और फिजिक्स के पहले आ चुके हैं। यह आपका फोर्थ सेम का केमिस्ट्री के लिए बीएससी के लिए। यह आपका जूलॉजी का एग्ज़ाम बीएससी के लिए फोर्थ सेम के लिए। यहाँ तक जितने भी एग्ज़ाम आपको मिले हैं वो सभी हमने दिखा दिए हैं। और आपको जल्दी से जल्दी एक काम करना है, जो एग्ज़ाम आपके नहीं मिले हैं उनको आप कमेंट सेक्शन में डाल दें, हम जल्दी से प्रोवाइड करने की सोचेंगे। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एफजीएम कॉलेज को यहाँ पे आप ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम पे। थैंक यू।